तो गाइस, श्री कृष्ण कहते हैं, आप अपने जीवन की कलम मेरे हाथों में दे दीजिए, मैं आपको कभी कष्ट नहीं होने दूंगा। तो फाइनली इस बात से ये प्रूफ होता है कि आप अपने जीवन में अपने कर्म करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। किसी भी परेशानी को अपने दिमाग से निभाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत स्मूथली आप अपनी चीज़ों को करते जाओ, नेगेटिविटी को अलग करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। एक भले पड़े परिवार में आप कुछ हुए हादसों को इस तरह से अपने मन में बसा चुके होते हो, जो बहुत बेकार टाइम, बहुत बेकार जोन होता है, आपको उस फ्रेज से पूरे कैरेक्टर में दूर रहना है, क्योंकि यू नो दैट वेल बट यू कांट। ठीक है, आपको पता है कि आपको उस चीज़ से दूर रहना है, पर आप रह नहीं पाते हो बिकॉज ऑफ यू आर बहू। आप कितना भी किसी चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करोगे ना, पर वो चीज़ें नहीं निकलती हैं दिमाग से। ये एक औरत की सबसे बड़ी परेशानी है। कुछ चीज़ों को आप अवॉइड कर देते हो पर कुछ चीज़ें नहीं कर पाते हो। एक बैड केमिकल बन के वो आपके दिमाग में ऐसे घूम रहा होता है ना कि आप मतलब उस जोन से बाहर ही नहीं निकल पाते। भले परिवार में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो जाएं, पर आपको उन रिश्तों को संभालते हुए ही चलना पड़ता है। कुछ चीज़ अच्छी होती हैं तो कुछ चीज़ बुरी, ऐसे ही कुछ अच्छी यादें होती हैं और कुछ बुरी यादें। तो इन अच्छी यादों को ही पकड़ के आप अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चलोगे तो शायद आपको किसी भी फ्रेज में आके किसी प्रॉब्लम को नहीं देखना होगा। उन्हें संजोते हुए आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाइए और सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। मानती हूँ कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो आपके भी कंट्रोल में नहीं होती और दूसरे की के भी कंट्रोल में नहीं होती, बट क्या है ना, गलत चीज़ों को आप अपने दिमाग में रखोगे तो फिर आपका जो आने वाला टाइम है वो गलत होता चला जाएगा। तो उस चीज़ को गलत वे में ना ले जाके आप खुद खुश रहिए, ताकि जिससे आपके आगे के सारे काम खूब हंसी खुशी बढ़ते चले जाएं और कोई प्रॉब्लम ना हो। नेगेटिविटी बहुत होती है दुनिया में, तो प्लीज़ गाइज उस चीज़ों को ना अलग रख दो और आप अपने लिए जियो, अपने लिए खुश रहो। आप, आपकी फैमिली, आपके बच्चे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज़।